सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा तथा गौरछनी बाजार हंगामा क्षेत्र में तब्दील हो गया, जब सैकड़ों की संख्या में छात्र हंगामा करना शुरू कर दिए। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर यात्री शेड को आग के हवाले कर दिया, साथ ही जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे में नगर थाना अध्यक्ष कामख्या नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। डीएम धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी आशीष भारती मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उपद्रवी छात्रों को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है, वहीं 1 दर्जन से अधिक छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। छात्रों का कहना है कि तमाम तरह की गतिविधियां संचालित हैं, सिर्फ कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है। छात्रों के हंगामे से कई घंटे सासाराम का मुख्य चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील रहा। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। छात्रों के पथराव में पुलिसकर्मियों के अलावा कई पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। डीएम धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी आशीष भारती ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है तथा किस परिस्थिति में गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बुलाया था, इसकी भी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, उसी के लिए कुछ संचालकों की रणनीति थी कि थोड़ा हंगामा हो, तो अभी तो स्थिति शांति में है और हम लोग यहाँ पे हैं, तो कोई अभी वर्तमान में कोई इशू नहीं है। बाकी लॉकडाउन सख्ती से इन्फोर्स होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। थैंक यू। मामला आज सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि कोविड जो गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी, सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई, इसके सूचना मिलते ही जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं और जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए। जिला पदाधिकारी और मैं पुलिस अधीक्षक, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है। कुछ लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने उकसाया है या जिन लोगों ने इस विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न किया है, उन सभी लोगों पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की। जवान भी